Welcome to my channel Study Zone. Never stop learning. Today, I am going to teach you class 10 chapter Bholi. So, let's start. Bholi was written by Khwaja Ahmed Abbas, K.A. Abbas, who was a popular Indian film director, journalist, and novelist known for his works in Hindi, Urdu, and other languages. Bholi, a के अब्बाश जी ने लिखी थी जो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे जर्नलिस्ट थे और नावलिस्ट थे वो अपने हिंदी वर्क्स उर्दू और अदर लैंग्वेज वर्क्स के लिए पॉपुलर थे दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड सुलेखा हु वॉज पॉपुली रिफर्ड टू एस भोली फॉर हर सिंपल नेचर ये स्टोरी एक यंग गर्ल छोटी लड़की सुलेखा की है जो एक जो ज़्यादातर भोली के नाम से कहलाई जाती थी क्योंकि वो एक सिंपल नेचर्ड गर्ल थी जब वो टेन मंथ्स की थी वो अपने कॉट से वो गिर गई थी और उसको पोकमार्क्स हो गए थे एंड शी यूज टू स्टैमर वेन शी लर्न टू टॉक और वो थोड़ा हिचकलाती थी जब उसने बोलना शुरू किया था भोली वॉज अ बॉर्न भोली वॉज बॉर्न अ प्रिटी चाइल्ड बट शी सफर्ड फ्राम स्मॉल पॉक्स दैट लेफ्ट डार्क पोक मार्क्स ऑन हर फेस परमानेंटली। जब वो टेन मंथ्स की थी तब उस तब वो गिरी थी उसी की वजह से वो एक सुंदर लड़की थी लेकिन उसके स्मॉल पॉक्स हो गए थे और पोक uh, मार्क्स हो गए थे जो उसके फेस पे परमानेंटली रहे द अगली मार्क्स स्पॉयल्ड हर अपेयरेंस एंड पीपल वुल्ड ऑफेन मेक फन ऑफ हर ड्यू टू हर डलनेस उस पोक मार्क्स की वजह से लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे दे वल्सो कंसिडर हर टू बी अ रिटार्डेड स्टैमर्ड वेल स्पीकिंग लोग उसे रिटार्ट भी कहते थे क्योंकि वो थोड़ी स्टैमरिंग होती थी उसकी वॉइस में भोलीज फादर रामलाल हैड अराउंड सेवन चिल्ड्रेन आउट ऑफ विच थ्री वर सन्स एंड फोर वर डॉटर्स भोली के जो फादर थे रामलाल उनके सेवन चिल्ड्रेन थे जिसमें से तीन बेटे थे और चार बेटियाँ अमंग ऑल डॉटर्स होली वॉज द यंगेस्ट होली सबसे छोटी थी ऑल हर सिबलिंग्स वर हेल एंड हर हार्टी एक्सेप्ट यंग भोली। हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हर हज टू हाउ टू गेट हर मैरिड वन शी ओल्ड ग्रो ओल्ड उसके पेरेंट्स उसकी फिक्र करते थे क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके पोकमार्क्स थे तो उसकी मैरी मैरिज को लेकर वो लोग फिक्र करते थे वन फाइंड ए तहसीलदार साहिब हैड कम टू परफॉर्म एन इनागरल सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द व विज ही टोल्ड रामलाल टू सेंड ऑल हिस्स डॉटर्स टू स्कूल वेन रामलाल डिस्कस्ड विद हिस्स वाइफ शी ऑब्जेक्टेड एंड स्टेटेड दैट नो बडी वुड मैरी देयर डॉटर्स इफ़ दे वर सेंड टू स्कूल एक तहसीलदार साहिब थे वो अपने इनागरल सेरेमनी करने आए थे प्राइमरी स्कूल था गर्ल्स के लिए उन्होंने खोला था अपने विलेज में तो उन्होंने ऑफ़र दिया था रामलाल को कि अपने जितनी भी उनकी बेटियां थी चार बेटियां थी उनको स्कूल भेजें पर जो रामलाल की वाइफ़ थी उन्होंने अपने वाइफ से डिस्कस किया तो वाइफ ने मना कर दिया क्योंकि फिर उनसे उनकी बेटियों से कोई मैर नहीं करता येट शी एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल दे वर नॉट श्योर इफ़ शी वुल एवर गेट मैरिड फॉर हर अपेरेंस और फेबल माइंडेडनेस बट उन्होंने भोली को स्कूल भेजने को रेडी हो गए क्यों क्योंकि उसके मार्क्स थे और मे भी उससे कोई शादी भी ना करता इसलिए इनिशियली भोली वॉज स्केप्टिकल अबाउट गोइंग टू स्कूल एज शी हैड नेवर हर्ड अबाउट इट हाउ एवर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल शी वॉज ग्रूम्ड प्रॉपरली सेंट टू स्कूल शी एज्यूम दैट इट वॉज अ बेटर प्लेस देन हर ओन होम जब होली का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था तो उसे अच्छे से तैयार करके रेडी करके स्कूल भेजा गया और उसको ऐसा लगता था कि स्कूल एक अच्छी जगह है अदर देन होम वेन शी रीच्ड होम वन शी रीच स्कूल शी वॉज इलेटेड टू सी गर्ल्स ऑफ हर एज अराउंड शी वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स बट डे नॉट टू ओपन हर माउथ ड्यू टू स्टैमरिंग भोली जब अपने क्लास में पहुंची स्कूल गई तो उसका बहुत मन था कि वो नए फ्रेंड्स बनाए दोस्त बनाया, बट उसने ऐसी कोशिश नहीं की क्योंकि उसकी जो स्टैमरिंग वॉइस थी उसकी वजह से हैवर द क्लास टीचर स्मिलिंग आज हर नेम शी स्टैमर्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास एंड ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड लाफिंग एट हर जब क्लास टीचर ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम तो बताया लेकिन उसकी वो उस स्टैमरिंग वॉइस सुन के क्लास की लड़कियाँ हंसने लगीं दिस डिस्करेज हर कंप्लीटली उसकी वजह से वो बहुत सैड हो गई डिस्करेज हो गई शी स्टार्टेड वीपिंग एंड अंडरस्टूड दैट नो बडी वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद हर वो रोने लगी अपने आंसू पोचने लगी और उसको ये बिलीव हो गया कि उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहेगा सुन हर टीचर आ काइंड हार्टेड लेडी एनकरेज हर टू टेल हर नेम अगेन जो उसकी टीचर थी क्लास टीचर थी बहुत काइंड हार्टेड लेडी थी उन्हों, उन्होंने उसे इनक्रेज करा उसका नाम बोलने को शी स्टैमर्ड येट अगेन बट वॉज़ फाइनली एबल टू टेल हर फुल नेम वो हिचकला रही थी पर फिर भी उसने अपना पूरा नाम बताया कोशिश करके हर टीचर गेव हर अ फ्यू गुड बुक्स विध पिक्चर्स एंड लास्ट हर टू रीड एज इट वुल हेल्प हर टू ओवरकम हर स्टैमरिंग हैबिट उसकी टीचर ने उसको कुछ बुक्स दी जिनमें पिक्चर्स थी और उस उनसे उससे कहा कि उनको रीड करे जिससे कि वो अपनी हिचकलाने वाली हैबिट से बाहर निकल सके शी ऑल्सो टोल्ड भोली टू कम टू स्कूल रेगुलरली दिस गेव देंगल अ न्यू रे ऑफ होप एंड एश्योरेंस ऑफ अ न्यू लाइफ भोली की जो टीचर थी उन्होंने कहा कि तुम रोज़ स्कूल आओ जिस और उसको उस जो यंगल भोली थी उसको एक नई होप मिली नई रे मिली होप की

However, Ramla's family agreed for the alliance, alliance as they felt he was a well settled fellow. Ramla's family agreed that he was well settled in Santa. Boli's elder sisters were, however, envious of the great pomp and show, and show at their younger sister's wedding. However, when the groom Bishamber, was about to put the गार्डन अराउंड द ब्राइट स्नेक अ वमेन स्लोली स्लिप्ट व्हील फ्राम होलीस फेस द ग्रूम वॉज सरप्राइज टू सी दुक मार्क्स ऑन हर फेस एंड रिफ्यूज टू मैरी हर विदाउट अ डोरी ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज जब उसकी शादी होने वाली थी तभी उसी वक्त उसके फेस पे पल्ला था तो उस वक्त उसका वो हटाया और वो, हटा दिया गया उसकी वजह से वो जो ब्राइट ग्रूम था उसने भिशंबर नाथ ने उसके फेस देख लिया और पोक्स मार्क्स देखे उसके फेस पे तो उसने डॉरी मांगी फाइव थाउजेंड रुपीज़ की उसी वजह से भोली फादर रामलाल समा अरेंज द माउंट एंड गेव इट टू बिशंबर नाथ भोली के जो फादर थे उन्होंने एग्री कर गए इस बात को और उन्होंने फाइव फाइव थाउजेंड रुपीज़ अरेंज किए हाउवर एज द ग्रूम ट्राइड टू गार्ड एंड द ब्राइड भोली हेल्ड हिज हैंड एंड रिफ्यूज टू मैरी सच आ वेरियस वेरिशियस पर्सन भोली ने शादी करने से मना कर दी क्योंकि जस्ट बिकॉज वो डोरी मांग रहा था और वो ओल्ड भी था ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द वेडिंग व स्टर्न टू सी हाउ कॉन्फिडेंटली शी स्पोक विदाउट स्टरिंग जो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो देख के ये शॉक हो गए थे कि वो लड़की इतनी मतलब हचखिला के नहीं बोल रही थी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रही थी द ग्रूम फिल्ड इंसल्टेड एंड रिटर्न टू हिस विलेज लिटअप भोली अश्योर हर फादर दैट शी विल टेक केयर ऑफ हिम एंड हर मदर इन देअर ओल्ड एज एंड विल बिकम अ टीचर इन द सेम स्कूल वे शी लर्न सो मैनी न्यू एंड गुड थिंग्स बाद में जब उसका वो शादी टूट गई तो उसने अपने पेरेंट्स को अश्योर किया कि वो उनके ओल्ड एज वक्त में उनके साथ रहेगी और एक टीचर रहे बनेगी जिस स्कूल में जिस पर्टिकुलर स्कूल में उसने पढ़ाई की लुकिंग एट दिस भोलीज़ फादर हु वॉज वॉचिंग फ्राम आई डिस्टेंस फिल्ट अ डीप सेंस ऑफ रिलीफ एंड सैटिस्फेक्शन एट भोलीज कलेज एंड कॉन्फिडेंट दैट शी एग्जिबिटेड इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल ये देख कर भोली के फादर को कॉन्फिडेंट हो गया मतलब सेटिसफैक्शन हो गया कि भोली के कलेज पे और वो मतलब कॉन्फिडेंटली अपने बेटे को एग्जिबिट कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो भोली चैप्टर पे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें थैंक यू